विदाउट मेकअप और मैंने अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं अपने फेस को प्रेप करूँगी, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी कि मैं क्या यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने ड्राई फेस पर एक्चुअली लगाती हूँ हाइलूरोनिक एसिड, और मुझे लगता है कि इसे ड्राई स्किन पर लगाकर इसके ऊपर एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र या आपका कोई भी प्लम्पिंग क्रीम लगाने से ये और अच्छे से काम करता है। तो मेरे पास है यहाँ पर सिंपल का 3% हाइलूरोनिक एसिड, तो मैं ये अपने फेस पर लगाऊंगी, जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स, नॉट मोर देन दैट। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ गया, तो आई जस्ट, और मैं इसे अच्छे से अपने स्किन में मिक्स कर दूँगी। मैंने हाइलूरोनिक एसिड लगा लिया है। इसके बाद आप कोई भी अपनी प्लम्पिंग क्रीम ले सकते हैं, जो भी आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं या कोई भी। तो मैं अपना मॉइस्चराइज़र जो है वो है, इट इज़ फॉर इंस्टेंट रिजल्ट नरिशिंग हाइड्रेटिंग मास्क फॉर ड्राई एंड वेरी ड्राई स्किन, इट इज़ फॉर इंटेंस मॉइस्चर। सो मैं आज ये यूज़ करूँगी। इसके भी मैं बहुत फ्यू ड्रॉप्स लूँगी बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है। इसे इस तरीके से मैं अपने फेस पर, नोज़ पर लगाकर इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। तो मैंने अपना फेस अब प्रेप कर लिया है मेकअप के लिए, और आप देख सकते हैं इस क्रीम को लगाने के बाद हाउ श्योर लुक इट गिव्स। एक्चुअली आई रियली लाइक दिस। मुझे नहीं पता ये इंडिया में मिलता है या नहीं, बट मैंने इसे थाईलैंड से ख़रीदा था, सो आई डोंट रियली नो ये यहाँ पर मिलता है या नहीं। बट इफ़ यू गाइज फाइंड दिस समवेयर, प्लीज़ यूज़ दिस। सो फॉर बिगिनर्स, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जैसे ही आपने अपना स्किन प्रेप कर लिया हो अच्छे से, आपको लगाना है एक बहुत अच्छा प्राइमर। तो मुझे जो प्राइमर आजकल जो अच्छा लग रहा है वो है रेने का बॉलीवुड फिल्टर प्राइमर। ये बहुत ही सिलिकॉन सॉफ्ट सा प्राइमर, आई रियली लाइक इट। और ये एक्चुअली में जो कहता है बॉलीवुड फिल्टर, इट रियली फिल्टर्स अप योर स्किन, जो आपके पोर्स को हाइड करता है इंस्टेंटली। आई जस्ट शो यू, आई जस्ट कम इन फ्रंट, जस्ट लुक। हाउ इंस्टेंटली इसने मैट कर दिया फेस को, आई रियली लाइक इट। और एक बहुत स्मूथ सा टेक्सचर दिया है मेरे स्किन को वर्क करने के लिए। तो जस्ट, तो मैंने अपना फेस प्राइम भी कर लिया है। अब हम प्राइमर के बाद यूज़ करते हैं बेसिकली हमारे कलर करेक्टर्स, जहाँ पर भी हमें अपनी स्किन को करेक्ट करना है। बट फिलहाल इट एक्चुअली डिपेंड्स, जब भी मैं मेकअप कर रही हूँ उस टाइम पे मुझे पिंपल आया है या नहीं आया है। बट अभी आई थिंक माई फेस इज़ प्रिटी क्लीन, तो मुझे नहीं लगता मुझे कहीं पर भी यू नो फिल्टर करने की ज़रूरत है। इट्स जस्ट द हाइपर पिगमेंटेशन हियर, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर रेडनेस ज़्यादा हो जाता है, आई डोंट नो वाई, बट वो हो जाता है। तो आज जैसे कि मैं एक बहुत सिंपल ग्लोई यू नो गो टू एंड वेरी वेल सेट मेकअप लुक करने वाली हूँ, तो हम बहुत ही कम प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, उसी में हमें बहुत अच्छा एक फेस क्रिएट करना है।
तो अब सिर्फ कंसीलर लगाऊंगी बिकॉज मुझे बहुत कम कंसील करने की जरूरत है आज, तो आज मैं वही करूंगी. डिपेंड्स ऑन डे टू डे. सो आज मेरा वो है एंड माय फेवरेट 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 कंसीलर्स ऑफ ऑल टाइम. इतने सारे कंसीलर्स यूज करने के बाद जो मेरा फेवरेट कंसीलर हो चुका है वो है लॉरियल का इनफेलिबल फुल वेयर करेक्टर प्लस कंसीलर. It's really nice. I know it's a bit dark from my skin color, but मुझे ये suit होता है. I really don't know why. जब ये blend होता है तो ये बहुत अच्छे तरीके से blend होता है. तो मैं इसको बहुत थोड़ा सा लूँगी because ये full wear concealer corrector है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो आप थोड़ा सा भी लगाएंगे इट्स गोना गो लॉन्ग वे. तो आपको भर के नहीं लगाना है. अगर आप फाउंडेशन लगा रहे हैं तब तो बिल्कुल भी भर के नहीं लगाना है. तो बहुत थोड़ा थोड़ा जहाँ पर आपको एक्चुअली ज़रूरत है कंसील करने की, आपको लगता है आपके अंडर आई शो अप कर रहे हैं इवन आफ्टर फाउंडेशन, और आपके कुछ डार्क स्पॉट्स हैं वो भी शो कर रहे हैं इवन आफ्टर फाउंडेशन, तो आपको सिर्फ वहीं लगाना है. मैं मिरर इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली में सामने से पता चलेगा कि मुझे कहाँ ज़रूरत है. तो मुझे बस इतनी सी ज़रूरत थी. आपको जहाँ पर भी ऐसा लगे कि आपको ये चीज़ फिल अप करनी है या आपका डार्क स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं तो आप वो ज़रूर कीजिए. आप इसे अपने फिंगर्स से भी ब्लेंड कर सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप ज़रूर कर सकते हैं. तो मैं यूज़ करूँगी ये ब्रश जो कि है ऐसा, थोड़ा फ्लैट सा है एंड फाउंडेशन ब्रश है बट अ मिनी साइज. सो मैं इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड करूंगी. आप डैबिंग मोशन कीजिए, बहुत अच्छा है, गुड कवरेज. आपका प्रोडक्ट भी वो जगह से नहीं हिलेगा, आपको अच्छा कवरेज देगा और वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा. अगर आप सर्कुलर मोशंस में जाएंगे तो वो प्रोडक्ट वहाँ से हट जाएगा. मैंने जहाँ तक किया है मेकअप मुझे यही समझ में आया है कि ईदर यू हैव टू गो विथ स्ट्रोक्स फॉर फाउंडेशन ओनली फॉर द फेस और यू कैन जस्ट डैब. एंड आई थिंक डैब इज द परफेक्ट थिंग यू कैन डू फॉर द फेस. सो मैंने अपना फेस कंसील कर लिया है. जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत थी वहाँ वहाँ मैंने कंसील कर लिया है और मुझे ज़्यादा कंसील और करने की ज़रूरत नहीं है. तो अब क्या करेंगे? आई रियली डोंट नो वाई कि मैंने अपना फेस को कॉम्पैक्ट किया एंड इट वॉज़ नॉट रिकॉर्डिंग. तो मैंने यूज़ किया है शुगर कॉस्मेटिक्स का बनाना पाउडर टू सेट माई कंसीलर. और अगर आप लोग फाउंडेशन भी यूज़ करें तो फाउंडेशन देन कंसीलर देन यू हैव टू यूज़ अ कॉम्पैक्ट और अ बनाना पाउडर. तो मैंने बनाना पाउडर यूज़ किया था. तो मैंने इसको कर लिया है सेट. आज मैं जो ब्लश के साथ जाने वाली हूँ वो है ये. तो मैं लगाऊंगी यहाँ पर. हाउ परफेक्ट इट लुक्स. तो अब ब्लश हो गया है कंप्लीट. हाउ ग्लोई एंड हाउ गुड द कलर इज, चेक इट आउट. आई रियली लव इट. इसके बाद हम करेंगे अपने ब्राउज, क्योंकि हम जा रहे हैं विद अ वेरी मिनिमल येट वेरी गुड लुकिंग लुक. हम बहुत कम ब्राउज भरेंगे, वी डोंट हैव टू गो ओवर द टॉप. सो आज जो मैं ब्राउ फिलर यूज़ करने वाली हूँ वो है स्विस ब्यूटी का माइक्रो प्रिसिजन आईब्राउ पेंसिल. इट रियली इज गुड. सो आई एम जस्ट गोना फिल माई ब्राउज वेरी लेस. तो यहाँ पर मैंने अपने ब्राउज कर लिए हैं फिल और स्पूली से इन्हें ब्रश भी कर लिया है ताकि ये बहुत ज़्यादा मेड अप ना लगे. अब हम लगाएंगे थोड़ा सा हाइलाइटर, बहुत थोड़ा सा. और जो हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ आज वो है रेवोल्यूशन का प्रो इल्यूमिनेटिंग.
और आज जो मैं आई शेडो लगा रही हूँ वो है रेवोल्यूशन का प्रो लव योरसेल्फ शैडो पैलेट। एक फ्लैट ब्रश की हेल्प की वजह से मैं बहुत ही एक न्यूड सा कलर लगाने वाली हूँ अपने आईज पर। तो अब हम जाएंगे आईलाइनर की तरफ, क्योंकि हम बहुत ही सिंपल लुक करने वाले हैं तो वी आर नॉट गोइंग टू गो विथ यू नो इंटेंस आईलाइनर। हम बहुत ही हल्का सा एक विंग देंगे अपनी आईज को। क्या करती हूँ कि मैं हल्का सा इसे अपने आउटर कॉर्नर्स पर लगाती हूँ। यू डोंट हैव टू बी प्रिसाइज और आपको अच्छे से भी नहीं करना है, यू जस्ट हैव to go this way. ये हो गया हमारा विंग रेडी। तो यहाँ हो गया है मेरा लाइनर रेडी। इसके बाद जो हम करेंगे वो है मस्कारा लगाएंगे, जो कि मेन चीज है जिससे कि आपके आईज को एक स्ट्रक्चर मिलता है एंड इट पॉप्स अप अगेन। सो मैं जो यहाँ पर यूज कर रही हूँ वो है एसेंस का लैश प्रिंसेस। बहुत हल्का लगाना है बिकॉज अगेन हम बहुत ही एक मिनिमल लुक के साथ जा रहे हैं। और मस्कारा भी लग चुका है, आई थिंक इट लुक्स परफेक्ट। द लास्ट स्टेप इज टू अप्लाई अ ब्यूटिफुल लिपस्टिक। तो आज जो मैं लिपस्टिक यूज करने वाली हूँ वो है रेवोल्यूशन की सुपर मैट लिक्विड लिपस्टिक। और मैं आपको एक बात बताऊं, आजकल ट्रेंड में बहुत चल रही है फेंटी ब्यूटी की मैट लिपस्टिक, सुपर मैट लिपस्टिक। बिलीव मी गाइस, अगर आप ये यूज करेंगे इट्स गोना गिव यू द सेम रिजल्ट। मैंने अपने लिप्स भी थोड़े से लाइन कर लिए हैं, ये आप पार्ट स्किप भी कर सकते हैं डिपेंडिंग आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो मुझे आज लग रहा था कि मुझे अपने लिप्स लाइन करने हैं तो मैंने वो कर लिए हैं एंड आई थिंक इट रियली लुक्स प्रिटी। तो अब हो गया है मेरा फुल लुक सेट, हमारा मेकअप यहाँ होता है कम्प्लीट। और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये फुल लुक, जस्ट चेक इट आउट। मेकअप हो चुका है और मैंने पहन लिए थोड़े इयर रिंग्स, कर लिए अपने बाल थोड़े से सेट लुक दिखाने के लिए आप लोगों को। एंड आई थिंक जो मैंने ये वीडियो सोचा था बनाने का विथ वेरी लेस प्रोडक्ट्स येट अ वेरी पुट अप लुक, आई थिंक आई एम रियली सैटिस्फाइड विथ इट। इट लुक्स प्रिटी, आई एम रियली हैप्पी विथ दिस लुक। तो अगर आपको ये लुक पसंद आया और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को। मैं आपको मिलती हूँ बाद में, बाय बाय।